नमस्कार, मेरा नाम उदान्य राजपुरा है। आज मैं आपको लोमड़ी और कौवे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक लोमड़ी थी, वह भूखी थी। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या खाऊँ। सारे जानवर तो मुझे देखकर अपने बिल में छुप गए हैं। कौवा बैठा है और उसके मुंह में दो चीज है। चलो कौवे को बुद्धू बनाते हैं। कौवा भैया, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं, एकदम कोयल जैसे। मैं यहाँ आपका गाना सुनने ही तो आई हूँ। क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं? लोमड़ी बहन, क्या तुमने मेरा चीज देखा? हा, वो तो मैं खा गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई कितना भी अच्छा बोल ले, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू।